हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तर रुख कर देते फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट 50 खबरों से। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1240 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 366, फरीदाबाद से 186 नए केस सामने आए। हिसार से 101 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 1727 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं अब तक हरियाणा में कुल 158304 के सामने है। 24 घंटे में 1086 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फतेहाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 64 नए केस सामने आए। बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बड़ौदा के कई गांव में जनसभाएं करेंगे। ओपी धनखड़ जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाएं करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सुबह 10 बजे रूखी गांव से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और 12 बजे वो छिछड़ाना गांव में चुनावी चौपाल को संबोधित करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए आज कुमारी शैलजा कई गांवों के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सुबह 11 बजे गांव चिड़ाना, 1 बजे बुटाना की जनता से मुलाकात करेंगी और कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगेगी। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और वहीं कल सीएम मनोहर लाल दिल्ली से हिसार के लिए रवाना होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कालका पिंजौर रेलवे लाइन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार हर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए ही खड़ा किया जाता है। सीएम ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को मार्केट की सुविधा मिले। बड़ौदा उपचुनाव पर किए गए हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसी कड़ी में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कहा कि सर्वे का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बड़ौदा की जनता उनके साथ है और वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणा न्यूज के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ बड़ौदा में जीत हासिल करेगी, तो वहीं दूसरी ओर वो अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर दिए गए अपने बयान पर कायम है। गौरतलब है कि कुलदीप वत्स ने एक रैली को संबोधित करते हुए ओपी धनखड़ पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर ढोल ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की। ढोल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं आज ही कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने जा रहा हूं। ढोल ने कहा कि मैं आज सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार देर रात को पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परमिंदर ढोल से बंद कमरे में मुलाकात की थी और तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ढोल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बता दें कि अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस नेताओं की भाषा को अमर्यादित रहने की बात कही और कहा कि कांग्रेसी नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा की ओर से की गई व्यक्तिगत टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आते जाते रहते लेकिन नेताओं को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बाजरे की खरीद को लेकर कहा कि टोकनों की संख्या बढ़ा दी गई है और दीपावली तक बाजरे की पूरी खरीद कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किसानों के हक में बिल पास किए गए और उसे बदलने का कैप्टन अमरिंदर सरकार को कोई हक नहीं है। ऐसा करके अमरिंदर सिंह शहीद होना चाहते हैं।
वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी सरकार को नहीं चलने दिया। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस की मात्र 40 सीटें रह गई। बड़ौदा की सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। अगर एक सीट से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला है तो ये केवल बहकावी बातें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वहां जो हालात हैं उन्हीं पर चर्चा की जा रही है और उसी हिसाब से गठबंधन की जीत निश्चित है और बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने पर और पराली जलाने की घटनाओं पर भी बोले कि सरकार ने 8.5 लाख टन पराली खरीदने का फैसला लिया। अगले साल से पूसा द्वारा बनाए गए कैप्सूल से भी पराली की खाद बनाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। सीबी चुकलाना अनाज मंडियों में किसानों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। बता दें किसान नेता सुरेंद्र लेतानी, सतीश बिठमड़ा और अन्य किसानों ने बैठक में फैसला लिया कि नई अनाज मंडी के गेट पर रावण रूपी पुतले जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के कई जिलों में किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि संबंधी 3 कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। और आपको बता दें कि कृषि कानूनों का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। करनाल में भी जिला सचिवालय के सामने पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा 27 अक्टूबर को दिल्ली में कई किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान अपने आंदोलन को और गति देने का कार्य करेंगे। इंद्री में शहीदी चौक पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दशहरे पर केंद्र और हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया। एक और जहां पूरा देश बुराई पर अच्छाई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाता किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के तमाम नेताओं का पुतला दहन करने में लगे हुए थे। इंद्री में शहीदी चौक पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी, यदि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो फिर सरकार को उखाड़ फेंकने में किसान पूरी ताकत लगा देगा। रादौर के गांव टोपरा कला में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और गुस्साए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। इस पुतले में प्रदेश सरकार के 10 सांसदों के मुखौटे लगाए। इस बीच प्रशासन अलर्ट भी नजर आया और किसानों की कई गिरफ्तारियां की गई। बावजूद इसके किसानों में अपना गुस्सा जो है वो देखने को मिला। सिरसा के नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों का विरोध किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विरोध करने वाले किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन पर कृषि कानूनों को थोपने का काम किया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान ऐसे ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते रहेंगे। कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने विजयदशमी के मौके पर उकलाना की नई अनाज मंडी में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। साथ ही विरोध स्वरूप प्रदेश के 10 बीजेपी सांसदों का पुतला फूंका। प्रदेश भर के किसान संगठन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और दशहरे के दिन रावण का पुतला गांव गांव में फूंका। लेकिन नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि विजयदशमी के दिन किसान पुतला फूंके और इसी बीच तमाम किसानों ने उसी आह्वान पर सरकार का पुतला फूंका। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बना हुआ है। कैथल की बात करें तो यहां विजयदशमी के दिन किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। प्रदेश संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। श्री रोष के चलते ब्लॉक जाखल किसान संघर्ष कमेटी की ओर से विजयदशमी के दिन किसानों ने सरकार का पुतला फूंका। चलिए वक्त ब्रेक का फौरन लौटे। प्रदेश में किसान संगठनों के द्वारा दशहरे के मौके पर रावण दहन की जगह सरकार दहन कार्यक्रम का आह्वान किया गया था, जिसके तहत टोहाना क्षेत्र में भी किसान संगठनों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत गांव धारसुल में टोहाना वाल्मीकि चौक पर सरकार के नेताओं के चित्र लगाए हुए पुतले जलाए गए। कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं और अखिल
भारतीय किसान सभा भाकियू हरियाणा किसान सभा सहित अन्य संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में सरकार का पुतला फूंका गया। भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला में दशहरे के मौके पर सरकार के विशालकाय पुतलों को आग के हवाले किया। भारी पुलिस बल के सामने किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर ऐतिहासिक गांव लखनौर साहिब के खेतों में पुतले को आग के हवाले किया और नाचकर खुशी जाहिर की और वही मौके पर भारी पुलिस बल भी देखने को मिला। दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सरकार का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया था जिसमें कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात था और उधर भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का अधिकार है। कृषि कानूनों के विरोध में कालावली में मंडी मजदूर आढ़ती और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध जताते हुए किसानों ने पुतले फूंकने के बाद कार्यक्रम में दो बच्चों का मुंडन करवाया। कैथल में शहीदी एकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें जिले के खिलाड़ी पुलिस कर्मचारी और शहरवासियों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन कैथल के छोटूराम इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई और पिहोवा चौक से वापस इंडोर स्टेडियम में पहुंची। मैराथन को कैथल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में कई लोगों ने हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सोहना रोड टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान काटे। ट्रैफिक के एसआई ने बताया कि उनकी टीम ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रिपल राइडिंग बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वालों के चालान काटे, साथ ही उन कारों के चालान भी किए गए जिन्होंने शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाई हुई थी और बिना बेल्ट के कार चला रहे थे। पानीपत के सिविल अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनकर आपका दिल भराएगा। दरअसल रविवार सुबह पानीपत के सिविल अस्पताल से कुत्ता अपने मुंह में भ्रूण लिए घूमता नजर आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अस्पताल प्रशासन की टीम ने भ्रूण को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पानीपत के कुंडली टीडीआई से टीम एक शख्स ने 10वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली और बताया जा रहा है कि शख्स के बच्चे मानसिक रूप से कमजोर थी, इसी परेशानी के चलते उसने 10वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। खबर सोहना से जहां अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मारी और यहां गांव में एक शव मिला। सोहना के भोंडसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रायसीना गांव में खेत में पानी दे रहे युवक को दो मोटरसाइकिल सवार ने गोली मार दी। बताया जा रहा है घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार भी हो गए। वहीं त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रेवाड़ी के भक्ति नगर में अचार फैक्ट्री पर छापेमारी कर फैक्ट्री में बने सैकड़ों टन अचार को बरामद किया गया जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। सीएम फ्लाइंग टीम ने अचार को मौके पर ही नष्ट किया और बाजारों में ताकि सप्लाई ना हो सके, लोग बीमार ना हो सके, इसके साथ टोमेटो सॉस अचार सहित 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। यहां बताया गया कि भक्ति नगर में मोहित अचार फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाकर लंबे वक्त से बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। पलवल के दहलाका गांव में जमीन के विवाद के चलते 23 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। युवक की हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंका गया। जांच अधिकारी वीरेंद्र ने बताया कि छज्जू नगर गांव का प्रदीप 20 अक्टूबर को बाइक पर बहन सविता को ससुराल छोड़ने जयरासी गांव गया था। प्रदीप के पिता ने बताया कि उनके गांव में जमीन को लेकर किसी से उनका विवाद चल रहा था, इसी विवाद और रंजिश के चलते बेटे प्रदीप की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गौना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां दो अलग अलग हुए सड़क हादसों में 3 बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए। सभी घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें युवक से एक युवती ने लव मैरिज की थी। युवती के परिजनों का आरोप है कि लड़के के ससुराल वालों ने उसे बुलाकर मार डाला। फिलहाल घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवक की पहचान हिसार के दयानंद कॉलोनी के रूप में रहने वाले के रूप में हुई है। निशांत ने फतेहाबाद जिले के नूर की अहली गांव के नीता के साथ लव मैरिज की थी। 4 महीने से नीता अपने मायके में ही रह रही थी। तो वहीं मृतक के भाई ने बताया कि अनीता के घर से उसकी मां की तबीयत खराब होने संबंधी फोन आया था, तो तभी निशांत खुद उसे ससुराल छोड़ने आया था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने उसकी पत्नी को दोबारा भेजने से मना किया। निशांत ने कई बार अनीता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मिलने नहीं दिया, यहां तक कि उसका फोन भी बंद करवा दिया गया। बता दें शनिवार सुबह निशांत के पास अनीता का फोन आया। उसने कहा कि उसे लेने के लिए आ जाए, फिर बीच में उसका फोन बंद आने लगा। रात 10:30 बजे अनीता के परिजनों का फोन आया। निशांत की गाड़ी का घर के बाहर ही एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मौत हो गई है। शव को नागरिक अस्पताल में लेकर आए हैं। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।